नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हैं। लाइव हम आपके साथ और लेकर के हाजिर हैं कि आखिर लॉकडाउन 5 में वो क्या चीजें हैं जिसे नाम दिया गया है अनलॉक 1, यानी कि देश में अब तमाम सेवाएं दोबारा से बहाल होने वाली हैं। उन सेवाओं में क्या कुछ चीजें होंगी जो बहाल होंगी, मेरे हाथ में ये गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नया सर्कुलर है और इस पूरे सर्कुलर में वो तमाम चीजें हैं। कुल 8 पन्नों का ये सर्कुलर है और इसमें देश को फिर से पटरी पर लाने का पूरा मसौदा है, यानी कि वो तमाम निर्देश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती हैं। तो मंदिर खुलने वाले हैं, मॉल खुलने वाले और साथ ही खुलने वाले हैं जिम, और साथ ही खुलेंगे आपके लिए वो तमाम चीज़ें जो आपके आपके लिए पहले से थी, यानी कि जब कोरोना नहीं था देश में तो जिस तरीके से रूटीन लाइफ में हम और आप थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा से खुलने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये पहला पन्ना है और यहाँ पर लिखा गया है, अंग्रेजी में ये पूरा है, उसको उसके हिंदी अनुवाद में हम लेके आएंगे आपको। द गाइडलाइन फॉर द फेज री ओपनिंग अनलॉक 1, इसका नाम दिया गया अनलॉक 1। आपने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और 5 देखा, लेकिन ये अनलॉक 1 है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट ही द फेज रीओपनिंग ऑफ एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि वो इलाके जो कि कंटेनमेंट जोन वाले हैं उन इलाकों के बाहर की तमाम चीज़ों को खोलने के निर्देश दे दिए गए, यानी सब कुछ खुलने वाला है, लेकिन कब और कैसे। तो शुरुआत कहते हैं कि फेज एक जो है उसकी शुरुआत जो है वो हो रही है 8 जून 2020 से, यानी कि जो है 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा जिसको अनलॉक 1 कहा गया है, लेकिन रियायतें मिलना शुरू होंगी 8 जून से। तो 8 जून से जो चीज़ें हैं उसमें क्या चीज़ें शुरू की गई हैं, तो पहला तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर और उस तरह की तमाम जगहें जो हैं वो जा पाएँ, पूजा पाठ कर पाएँ, तो वो तमाम जगहें खुलेंगी। उसके बाद 8 जून से देश भर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के होटल, रेस्टोरेंट और अदर जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, मसलन कि होटल और दूसरे इस तरह से जुड़े हुए जो कारोबार हैं, उनको रीओपन करने के आदेश दिए गए हैं, ये भी 8 जून से होगा। उसके बाद शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे, यानी कि बिग बाज़ार का जो दूसरा जो फ्लोर होता है मुंबई, जिसमें कपड़े मिलते हैं, जिसमें आप ग्रॉसरी के अलग की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो है खुलने वाली हैं। तो ये है तमाम मॉल्स, यानी कि पटना की बात करें तो PNM मॉल या फिर दूसरे जो मॉल्स हैं वो तमाम मॉल में जो भी बाकी सेवाएँ हैं वो शुरू होंगी 8 जून से। उसके बाद इसमें SOP का ख्याल रखने के लिए कहा गया है और ये SOP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो जारी किया गया वो है। फेज़ 2 की बात करें तो ये प्रभावी होगा, जो है रीओपनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि 1 महीने बाद स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे देश में, ये इसमें प्रस्ताव है फेज 2 में। और इसके लिए भी SOP का ही ख्याल रखना होगा, यानी कि स्कूल कॉलेज जब खुलेंगे तो SOP का पूरा ख्याल रखना होगा, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तमाम चीज़ों जो चीज़ें हैं उस वक्त के हिसाब से चीज़ें तय होंगी। फेज 3 की बात कर लें तो ये जो है इसकी शुरुआत जो हो रही है इसमें बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशंस डेट फॉर रीस्टार्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी डिसाइडेड, यानी कि इन तमाम कामों को करने के बाद जो जो अनुभव प्राप्त होंगे उसके आधार पर फेज 3 होगा। और इस फेज 3 में इंटरनेशनल जो एयर ट्रैवल है पैसेंजर्स का वो तमाम चीज़ें होंगी, मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन ये सब शुरू होंगी कब, तीसरे फेज में। और तीसरा फेज कब आएगा, ये फेज होगा जुलाई के मध्य के बाद जब तमाम चीज़ों की असेसमेंट होगी, यानी कि 1.5 महीने तक मेट्रो नहीं चलने वाली है देश भर में। जो 12 शहर हैं जहाँ पर मेट्रो सेवाएँ चलती हैं, मसलन दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो जगहें हैं जहाँ पर मेट्रो सेवाएँ, उन तमाम जगहों पर ये सेवाएँ हाल नहीं चलेंगी, यानी करके 1.5 महीने के लिए। तो ये स्पेशल चीजें हैं जिसका जिक्र है, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसेस जितने भी हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, इस तरह की जो जगह हैं वो भी उसी असेसमेंट के बाद 15 जुलाई के बाद खुल सकती हैं, ये इसमें है। नेशनल डायरेक्टिव ऑफ COVID-19 मेजर्स टू बी टेकन, ये लिखा गया है। उसके बाद देखिए लॉकडाउन लिमिट्स टू द कंटेनमेंट जोन, यानी कि वहाँ पर सभी तरह की चीज़ों को बंद करने के निर्देश होंगे, यानी कि मान लीजिए पटना के किसी इलाके में कंटेनमेंट जोन या बिहार के किसी इलाके में, वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुकान और तमाम चीज़ों को खोलने के पर रोक होगी, और ये रोक होगी 30 तारीख तक के लिए, और कंटेनमेंट जोन
तय होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि और इसको फोर्सली जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है, कंटेनमेंट जोन विल बी डिमांड बाई द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आफ्टर टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द गाइडलाइंस ऑफ MOHFW, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके निर्देशों के आधार पर जो जिला प्रशासन है वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेगा। मसलन पटना में जो कंटेनमेंट जोन है, या बिहार में जो है, या दिल्ली और बाकी शहरों में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर जो चीज़ें खुलेंगी उसके लिए जिलाधिकारी जो वहाँ के होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनके आधार पर वो चीज़ें शुरू होंगी। तो ये पूरा इस तरीके से है। इसके बाद हम आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी किया गया है देश में उसके इस्तेमाल को। ये कहा गया है कि इसमें लिखा गया कि द आरोग्य सेतु एनेबल्स एंट्री आइडेंटिफिकेशन टू द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड द एक्ट एज अ सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। इसका मतलब है कि लोगों को इस खतरे से बचाने के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप है, मसलन जो कि स्पेशल ट्रेनों में आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब फ्लाइट्स में आप यात्रा कर रहे हैं, तो आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी है, हर व्यक्ति के मोबाइल में होना चाहिए और इसके इस्तेमाल को जो है वो करने के लिए कहा गया है। उसके बाद नौवें पॉइंट में है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइन जो है, यानी कि तमाम जगहों पर इस गाइडलाइन को पूरी तरीके से इसका पालन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद पनिशमेंट्स फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ETC, यानी कि जहां पर इस तरह की चीज़ें होंगी, यानी कि जहां पर कानून तोड़े जाएंगे वहां के लिए भी कुछ नई चीज़ें हैं। पनिशमेंट फॉर द मिसप्रिपलेशन ऑफ मनी और मटेरियल ETC, यानी कि फॉल्स क्लेम करने वाले लोगों पर जो पैसे की कालाबाजारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर जो कालाबाजारी को प्रमोट करें, उन तमाम लोगों को, उनके लिए भी एक स्पेशल पूरा पन्ना है जिसमें गाइडलाइन तय की गई हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पर भी देखिए वो सारी चीज़ें हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जिसको ऑफेंस किया गया, यानी कि अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब फेस कवरिंग जो है, अब करना क्या क्या है, यानी कि जब लॉकडाउन 5 जिसे हम अनलॉक 1 कह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले करना है कि फेस कवरिंग, यानी कि चेहरे पे मास्क लगाना है सभी पब्लिक प्लेसेस पर, काम करने वाले जगहों पर, और साथ ही जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज, आप कहीं भी जाएंगे मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। गैदरिंग जो है, यानी कि द लार्ज पब्लिक गैदरिंग कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड, लाइक मतलब है कि शादियां अगर हो रही हैं तो 50 लोग हो सकते हैं उसमें, अगर रैली हो रही है तो वो उस तरह के कार्यक्रम अब फिलहाल जो है वो प्रोहिबिटेड होंगे, यानी कि राज्य भर में रैली और बाकी चीज़ों करने पर जो है पूरी तरीके से रोक होगी। तो आज आ गया है लॉकडाउन 5, जिसे नाम दिया गया अनलॉक 1। इसमें शुरुआती जो चीज़ें हैं वो ये कि 8 जून से देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इस तरह की तमाम जगहें, मॉल, ये तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। उसके बाद पूरा जो जून है उसी तरीके से चलेगा। जुलाई की बात की तो जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। उसके आगे बढ़ें तो 15 जुलाई के बाद तमाम असेसमेंट करने के बाद जो तमाम चीज़ें होंगी, उन तमाम चीज़ों को देखने समझने के बाद जो सिनेमा घर हैं, जो जिम हैं, जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो क्लब्स हैं, उन तमाम चीज़ों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में किसी प्रकार की रैली और बाकी चीज़ों को करने पर पूरी तरीके से रोक होगी। सबसे खास बात ये कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक मीटिंग पर पूरी तरीके से रोक होगी पूरे जुलाई महीने तक में। तो ये है अनलॉक 1 जो कि लॉकडाउन 5 का हिस्सा है, उसकी बड़ी बातें। न्यूज़ फाउंडेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।